Welcome to Soul Gallery

इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है वो मशीनरीज अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस क्या है उनकी कॉस्टिंग क्या है और उसमें कौन कौन सी मटेरियल आपको यूज़ करने होंगे और उसका प्रोसेस क्या होता है ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे चलिए आज की हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और गाइज आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी लास्ट तक मैंने बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में इंक्लूड किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारी और वीडियोस विज़िट करें क्योंकि हमने हीट ट्रांसफर फाइनल प्रिंटिंग पे मेजर फोकस किया है और उस पर कई सारे कंसेप्ट बनाए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे और गाइज थैंक यू सो मच हम लोग ने वन सब्सक्राइबर्स हिट कर चुके हैं और ये आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है सो तो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें और लाइक बटन को भी हिट करें और शेयर करें और गाइज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना प्रिंटिंग प्रिंटिंग टेक्निक्स के बारे में और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको वो चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं कि वो कहाँ से मशीन परचेज करें और क्या मशीन और क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उनको और किस तरीके की मशीन उनको यूज़ करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ये बस वीडियो उन लोगों के लिए है और आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें चलिए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते अपनी प्रेजेंटेशन फर्स्ट पे है हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा ये काफ़ी पुराना मेथड है और इसको हम लोग बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं ये इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस आए हैं इसको काफ़ी एडवांस लेवल किया गया है और ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे होता है इसका वर्क स्क्रीन प्रिंटिंग वर्क स्टेशन जो होता है बेसिकली अगर आप कलरफुल स्क्रीन प्रिंटिंग वर्क स्टेशन चाहते हैं तो वो फ़ोर कलर आप रख सकते हैं जो कि आपको इंडियन मार्केट में ट्वेंटी में वह जी आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप सिंगल वर्क स्टेशन लेना चाहते हैं तो वह आपको एट थाउजेंड और सेवन थाउजेंड के अप्रॉक्स भी मिल जाएगा अदरवाइज अगर आप खुद बनवा सकते हैं नियर बाई किसी भी स्टोर से तो आप बनवा सकते हैं वो आपको और इजी पड़ जाएगा बात करते हैं कि इसका वर्क क्या होता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर इसको रखें तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको मैं एक सैम्पल वीडियो दिखाता हूँ ये इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है सो so गाइस अब आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले तो हम लोग ऑरेंज इंक यूज़ किया स्क्रीन पे अपने डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए आप देख सकते हैं टी शर्ट पर डिज़ाइन आ चुका है फिर हीट गन से हम लोग इसको सुखाते हैं फिर नेक्स्ट डिज़ाइन को नेक्स्ट कलर से प्रिंट करने के लिए हम लोग ने फ्रेम पर इंक किया स्क्वीजी से हम लोगों इसको ड्रैग किया और ये देख सकते हैं हमारा दूसरा इंक भी ट्रांसफ़र हो गया फिर से हम इसको ड्राई करते हैं इसी तरीके से हम लेयर बाय लेयर अपनी पूरी टी शर्ट को प्रिपेयर करते हैं जितने भी कलर हमें लगाने हैं ये फ़ोर कलर इंक स्टेशन है हम लोग यहाँ पे फ़ोर कलर इंक स्टेशन देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं हीट गन से हम लोग पहले इसको ड्राई करते हैं अगर एक भी कलर इसमें ड्राई नहीं हुआ होगा तो वो हमारी पूरी स्क्रीन भी ख़राब हो सकती है और टी शर्ट भी ख़राब हो सकती है सो so, ये इसका वर्किंग प्रोसेस होता है इस पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका आपको स्क्रीन कैसे प्रिपेयर करनी है और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं पूरी एक्टिविटी ये अलग से वीडियो आपकी बन जाएगी बस ये एक डेमो वर्जन था आपको दिखाने के लिए कि ये पूरा ओवरऑल स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे होता है टी शर्ट पर और मैं बताना चाहूँगा ये सबसे चीपर होता है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्क से मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आपको करना है अपना एक ख़ुद का मैन्युफैक्चरिंग खोलना है तो स्क्रीन प्रिंटिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसोल इंक के बारे में प्लास्टिसोल इंक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है टी शर्ट मैनुफैक्चरिंग और किसी भी गारमेंट पर आपको अगर प्रिंटिंग करनी है तो प्लास्टिसोल इंक को ही यूज़ किया जाता है वाटर इंक होती है काफ़ी थिक होती है ड्यूरेबल होती है वर्सेटाइल होती है और इसकी जो प्रिंटिंग रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है इसमें आपकी जो ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर आते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग वर्क करती है ये नहीं होता कि ये जल्दी से रिमूव हो जाए या पिल ऑफ हो जाए या क्रैम्प्स आ जाए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता और इसमें कलर में काफ़ी वाइड रेंज होती है आप बहुत सारे कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं आप बना भी सकते हैं इसमें कलर और ये काफ़ी अच्छी इंक मानी जाती है अदर इंक के मुकाबले आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिंट स्क्रीन प्रिंटिंग में अगर आपको टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है तो प्लास्टिक सॉल इज़ दी बेस्ट ऑप्शन अब बात करते हैं एक्सपोजर यूनिट की एक्सपोजर यूनिट क्या होता है एक्सपोजर यूनिट बेसिकली आपके जो फ्रेम में जो भी आपकी जो मैश होती है फ्रेम की उस पर जो डिज़ाइन क्रिएट होता है वो इसके थ्रू किया जाता है बेसिकली आपको एक पेपर लेना होता है बटर पेपर जिस पे आपको प्रिंट आउट निकालना होता है अपने डिज़ाइन का और उसके बाद आपको फ्रेम में रख कर इस एक्सपोजर यूनिट पर रखना होता है आपको इसमें से लाइटनिंग के थ्रू आपको अपने डिज़ाइन को उस स्क्रीन पर ट्रांसफ़र करना होता है वो स्क्रीन वहाँ से उतने एरिया से आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो ट्रांसफ़र कर देगी और उस पर आपकी डिज़ाइन बन जाएगी तो ये एक्सपोजर यूनिट अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो इसमें ये काफ़ी अलग अलग रेंज में आते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकते हैं आपको तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप ये खुद प्रिपेयर करवा लें तीन चार रॉड्स लेकर आपको एक बॉक्स ख़रीदना होगा जिसमें आपको एक पार्टिकुलर एम एम का ग्लास लेना होता है बस आपको एक हीट और लाइटनिंग प्रोड्यूस करनी है जिसके थ्रू आपको हेल्प हो आपकी ये बटर पेपर से आपकी स्क्रीन में जो आपका डिज़ाइन है वो ट्रांसफ़र हो सके तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में जो कि है एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग काफ़ी बड़े लेवल पे होती है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपने देखा होगा जो थ्रेड से आपकी टी शर्ट या आपके फैब्रिक पे जो प्रिंटिंग हुई रहती है नेम लिखा होता है या कोई भी कस्टमाइज लोगो बना हुआ होता है वो एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग कहलाती है जो भी थ्रेड से प्रिंटिंग होती है वो कि एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग होती है जैसे सूट्स में होती है आपके टी शर्ट्स में होती है लोगोस बनते हैं कैप में जो प्रिंटिंग होती है वो एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे आपके विंटर क्लोथ होते हैं उसमें खासकर एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग का ही यूज़ होता है क्योंकि विंटर क्लोथ्स पे जल्दी प्रिंटिंग नहीं हो पाती है तो एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग विंटर क्लोथ्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और ये एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी सस्ती पड़ती है बाकी प्रिंटिंग के मुकाबले अगर आपको सिंगल कलर अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करनी सिंगल कलर लोगो बनाना है तो आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ता है और ये बाकी प्रिंटिंग के मुकाबले अगर आप ये वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इसमें आपको मशीन में मशीन की मैं बात करूं अगर टेक्सटाइल लेवल आप मशीन अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इंडियन मार्केट में ये 15 लाख टू 17.5 लाख तक जाती है जो कि आपको सिक्स हेड प्रिंटिंग स्टेशन होता है वो आपको लगाना पड़ेगा सिक्स हेड होता है सेवन एट हेड होता है आप उसमें अपना अपने अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जो भी आपको मशीन की यूज़ हो अगर मैं बात करूँ अमेरिकन स्टाइल में तो अभी जैसे कस्टमाइज़ वर्ड चल रहा है तो हर किसी को अपना एक अलग ही प्रिंटेड गारमेंट्स या क्लोथिंग चाहिए तो उसमें ब्रदर कंपनी ने और बाकी नो प्राइवेट कंपनीज़ ने सिंगल वर्किंग स्टेशन निकाले हैं जो कि आप अपने डेस्कटॉप से अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इजीली ऑपरेट कर सकते हैं इसमें आप सिंगल हेड स्टेशन से इसमें सिंगल हेड स्टेशन में इसमें अप्रोक्स ट्वेल्व नीडल्स होती हैं जो कि ट्वेल्व कलर ट्वेल्व थ्रेड्स कलर्स के लिए यूज़ की जाती हैं तो उसके थ्रू आप इजीली प्रिंटिंग कर सकते हैं मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपको टेक्सटाइल लेवल पे मैनुफेक्चरिंग uh, लेवल की मशीन चाहिए या एक कस्टमाइज लेवल पे आपको एक सिंगल हेड मशीन चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं आपको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या परचेज़ करना है सो so गाइस हम लोग अपनी सेकेंड टेक्निक पे आते हैं जो कि है सब्लीमेशन प्रिंटिंग आप सब जानते हैं सब्लीमेशन प्रिंटिंग क्या होती है आपने मार्केट में देखा भी है आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सब्लीमेशन प्रिंटिंग की बट आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट चीज़ें बताने वाला हूँ पहले तो हम लोग इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं सब्लीमेशन प्रिंटिंग एक्चुअल में होती क्या है बेसिकली सबलीमेशन प्रिंटिंग जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि सबलीमेशन प्रिंटिंग सिर्फ सब्लीमेसन केमिकल कोटेड प्रोडक्ट्स पे होती है या फिर पोलीस्टर फैब्रिक्स पे होती हैं अगर आप गारमेंट्स की बात करो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या आपका जो पॉलीस्टर होता है उस पर ही आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हो अदरवाइज़ अगर आप कॉटन या डार्क गारमेंट की बात करो तो आप उस पर सब्लिमेशन प्रिंटिंग नहीं कर सकते जिसके लिए आपको अलग ही मेथड यूज़ करना पड़ता है सो सब्लिमेशन प्रिंटिंग इज़ ओनली मेड फॉर कैमिकल प्रोडक्ट कैमिकल कोटेड प्रोडक्ट ऑफ सबलीमेन कैमिकल्स सो अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं ये बहुत ही ईजी होता है और फास्ट वे होता है आपके प्रिंट करने का किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है जो भी कैमिकल कोटेड प्रोडक्ट होते हैं आप उस पर बहुत ही ईजीली और फास्टेस्ट वे में आप उसको प्रिंट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड्स आप हार्डली अगर आपको एक मग या टाइल प्रिंट करना है तो आपको 90 या 100 सेकेंड्स चाहिए और आपको टेम्परेचर 335 रखना होता है जो कि हीट प्रिंस पर नॉर्मली हो जाता है बाकी मैं बात करता हूँ आपको इसका इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको हार्डली थर्टी टू थर्टी फाइव थाउजेंड में आप एक छोटा सा इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको एक कॉम्बो हीट प्रेस मशीन और एक नॉर्मल एप्सन प्रिंटर विद स्पेशल इंक जो कि सब्लिमेशन इंक होती है आप उसके साथ एक अपना सब्लिमेशन प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ एक आपकी का प्राइस है सिर्फ इसमें आप अपना रॉ मटेरियल ऐड मत करिएगा थर्टी टू थर्टी फाइव थाउजेंड आपकी मशीन और आपके जो मशीन में जो आपका जो भी इंक और जो आपके टूल्स लगेंगे वो आपका ओवरऑल थर्टी फाइव थाउज़ेंड में आ जाएगा बट आपके जो रॉ मटेरियल होंगे जिस पे आप प्रिंटिंग करोगे आप उसको एडिशनल रखना अप्रोक्स अगर आपको एक प्रॉपर वे में अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप अपना एक फ़िफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ आप अपना एक प्रिपेयर करके रखना ताकि आपको वो ओवरऑल एक बिज़नेस स्टार्ट कर सको और इसमें इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है लोगों को कस्टमाइज़ प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांडिंग रहता है और आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है उनके लिए मैं एक डेमो वीडियो ऐड कर देता हूं, जिसके थ्रू वो लोग ये जान सकते हैं कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग कैसे होती है और ये किन प्रोडक्ट्स पे होती है सो so, अब हम लोग बात करते हैं सब्ली प्रिंटर्स की तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एक नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप ए फोर साइज़ प्रिंटर ले सकते हैं एप्सन एल एट जीरो फाइव सिक्स इंक टैंक प्रिंटर होता है ये आपको मार्केट में सिक्सटीन टू सेवेंटीन थाउजेंड में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप इसको ऑफलाइन ख़रीदते हैं तो अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको ये एटीन थाउजेंड अप्रॉक्स पड़ जाएगा तो ऑफ़लाइन इज़ बेटर अगर आप मतलब ब्रॉड कंसेप्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप ए थ्री साइज़ प्रिंटर ले सकते हैं एप्सन का जो कि एल एटीन हंड्रेड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है सिक्स इंक टैंक इसका भी है और ये ए थ्री प्लस साइज प्रिंट करता है और अब मैं आपको बता दूं एपसन का ये सीरीज़ का प्रिंटर बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करता है जो कि एक अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी देता है आप ओवरऑल पेज में अपना फुल पेज में प्रिंट निकाल सकते हैं इसमें आप कर क्या सकते हैं इसमें आप बड़े लेवल के साइज़ पे प्रिंट कर सकते हैं और अगर जैसे आपको दो तीन साल के बच्चों की पॉलीस्टर टी शर्ट प्रिंट करनी है तो फुल साइज़ आराम से आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं बात करता हूँ मैं फुल साइज़ प्रिंट टी शर्ट प्रिंटर की तो ये आप एप्सन या एच के प्रिंटर आते हैं वो बड़े साइज में इसमें होता क्या है कि इसमें आप ईज़ली पूरी की पूरी टी शर्ट का एक कैटलॉग बनाकर आप एक मौका बनाकर आप प्रिंट आउट दीजिए आपने अपनी पूरी डिज़ाइन बना रखी है ऑलरेडी और आपने अपने क्लोथ का एक फैब्रिक लिया एक लेंथ ली आपने उसको बड़े ओवन में डाला आपने उसको हीट प्रेस टेंपरेचर में डाला और आपने उसको ओवरऑल फैब्रिक पे प्रिंट कर दिया और इसको कट करके स्टिच कर दिया ये बहुत ही इजी और फास्ट प्रोसेस होता है जैसे आपने देखे होंगे कि क्रिकेट टीम की जर्सी प्रिपेयर होती हैं फुटबॉल जर्सी प्रिपेयर होती हैं उसमें काफ़ी सारे ग्राफिक्स रहते हैं तो ये खासकर उस लेवल की प्रिंटिंग होती है आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे जो फुल साइज जैकेट्स चल रही हैं जो कि पॉली कॉटन और पॉलीस्टर फैब्रिक्स पे जो मार्केट में अवेलेबल है ओवरऑल टी शर्ट पर जो प्रिंटिंग चल रही हैं ये खासकर फुल साइज टी शर्ट प्रिंटर से प्रिपेयर करी जा रही हैं अब बात करते हैं बेसिक रॉ मटेरियल की जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले बात करते हैं सविलिशन इंक की सविलेशन इंक मार्केट में बहुत कंपनीज की हैं और बहुत सारी इंक्स हैं ये आप पर डिपेंड करता है आप अगर ज़्यादा महंगी नहीं ज़्यादा कॉस्टली खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप लोअर प्राइस वाली सब्लिमेशन इंक के साथ जा सकते हैं मार्केट में दो, दो क्वालिटी की सब्लिमेशन इंक होती हैं एक होती है नॉर्मल इंक एक होती है एच डी वाटर प्रूफ इंक तो आप जो भी अगर आप अपना कस्टमर को डील जिस तरीके से करना चाहते हैं आप उस तरीके का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ये पर डिपेंड करता है बाकी मैं बात करूं अगर सब्लीमेशन टेप के बारे में तो सब्लीमेशन टेप जो होते हैं वो हीट रेजिस्टेंस टेप होते हैं ये हीट में गलते नहीं हैं और ये आपके प्रोडक्ट का जो पेपर होता है वो आपके प्रोडक्ट पर रोके रहते हैं ताकि जब आप भी आप हीट प्रेस में अपने प्रोडक्ट को रखो तो वो वहाँ से आपके पेपर को ज़्यादा शेक ना करे ज़्यादा हिले ना ताकि आपका प्रिंट जो आए वो परफेक्ट आए और वो ख़राब ना हो सब्लीमेशन पेपर ये सबसे मेन पार्ट होता है सब्लीमेशन प्रिंटिंग में क्योंकि सब्लीशन पेपर के बिना आप सब्लीमेशन प्रिंटिंग नहीं कर सकते हो सबलीमेशन पेपर जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल पेपर्स होते हैं ये सब्लीमेशन कोटेड पेपर्स होते हैं इस पर एक कैमिकल एक कोटिंग होती है एक लेयर बनाई जाती है कैमिकल की जिस पर आप अपना सब्लीमेशन इंक से प्रिंट आउट निकालते हो तब जाके आप ये एक प्रोडक्ट पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइमिंग के साथ अपने प्रोडक्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रांसफ़र मशीन्स बात करते हैं कॉम्बो हीट प्रेस मशीन की अगर आप एक नॉर्मल बेसिस पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको कॉम्बो हीट प्रेस मशीन के साथ जाना चाहिए आप इसमें अटैचमेंट एट अटैचमेंट वाली मशीन आती है सिक्स अटैचमेंट वाली मशीन आती है तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन से अटैचमेंट वाली मशीन लेते हैं नॉर्मल अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये मार्केट में ट्वेल्व की मिल जाएगी ईजीली आप इसको डेली से परचेस करते हैं डेली में अवेलेबल हो जाती है और अगर आप नियर बाई अगर आपको किसी शॉप में ये अवेलेबल है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारी हैवी ड्यूटी फ्लैट प्रेस ये इसमें अलग अलग साइज आते हैं बट ये ख़ास करके टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए बनाई जाती है इसमें आप कॉटन टी शर्ट्स प्रिंट करने के लिए और आपकी जो भी पॉलीस्टर सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है ही ट्रांसफर वाइनल प्रिंटिंग आप सारी टी शर्ट प्रिंटिंग इसमें कर सकते हैं ईजली और यह काफ़ी इसका जो फ्लैट बेड होता है ये नॉर्मल कॉम्बो हीट प्रेस मशीन से बड़ा होता है तो इसमें आप काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग की इसमें आपके जो कलर आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं आपका सब्लिमेशन पेपर से पूरा का पूरा कलर जो होता है वो ड्रेन हो जाता है आपकी टी शर्ट पर और अगर हम लोग बात करते हैं बड़े लेवल पर तो हमारा जो हैवी ड्यूटी फुल साइज़ फ्लैट प्रेस होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि फुल साइज़ टी शर्ट्स जो प्रिंटर जो हमारे हैं उसके लिए हम लोग इस हैवी ड्यूटी फुल साइज़ फ्लैट प्रेस को यूज़ करते हैं इसमें दो स्लाइडर्स होते हैं जिसमें यह दो स्लाइडर्स के साथ आप वन बाय वन अपने ओवन में इसको इंसर्ट करते हैं टी शर्ट फैब्रिक रख के और ये ऊपर से आपको इसमें सब्लिमेशन प्रिंटिंग का जो भी केमिकल कोटेड पेपर होता है उसके थ्रू आप इसमें अपने फैब्रिक पे प्रिंट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की बात करें अगर सब्लिमेशन में तो सब्लिमेशन की तो एक अलग ही रेंज है अभी भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि सब्लिमेशन में कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्स फ़ोर थाउजेंड एंड अबव प्रोडक्ट्स सब्लिमेशन में आप जिस भी प्रोडक्ट पर अगर उसकी एक केमिकल कोटिंग कर देते हो और अगर वो फ्लैट या एक सर्कल शेप में भी है तो उसमें आप इजीली प्रिंट कर सकते हो अगर वो केमिकल कोटेड है तो सब्लिमेशन की एक अलग ही रेंज है और इसमें आप ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा होता है सब्लिमेशन प्रिंटिंग में तो आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग को आ, स्टार्ट कर सकते हो और इसमें काफ़ी प्रॉफिट गेनिंग है अगर आपका एक ख़ुद का कस्टमाइजेशन थिंकिंग है अगर आप एक अलग लेवल पे डिज़ाइनिंग करते हो और बहुत ही क्रिएटिव हो तो आपको इस फील्ड में बहुत बेनिफिट होने वाला है सो so अब हम लोग बात करते हैं अपनी नई प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में जो कि है डी टी जी डायरेक्ट टू गारमेंट आपने कई लोगों ने इसके बारे में देखा है सुना है बट एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट क्या है क्या प्रोसेस है क्या कॉस्टिंग है वो सब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर टेक्सटाइल बेस्ड इंक होती है इसमें इसमें वाटर प्रूफ इंक होती है और ये आपका ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता ये बेसिकली आपके अगर डे के सेवेंटी पीसेस सिक्सटी पीसेस अगर आपके ऑर्डर है तो ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ आप कस्टमाइजेशन में ये इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट टू गारमेंट में होता है क्या है कि आपको अपनी टी शर्ट के फ़ैब्रिक को इसके फ्लैट बेड पर प्लेस करना होता है और वो फ्लैट बेड पर सीधा आप, आपके प्रिंटर में जाता है और उस प्रिंटर का हेड आपके फैब्रिक पे प्रिंट करता है जो भी डिज़ाइन आपका होता है उससे पहले आपको एक प्री ट्रीटमेंट मशीन भी चाहिए होती है जो इसका एक केमिकल आता है जो कि आपकी टी शर्ट की फैब्रिक पे पहले वो स्प्रे करता है उसके बाद आप उसको हीट प्रेस करते हैं फिर आप इसको डीटीजी में लगाते हैं डीटीजी में प्रिंट होने के बाद फिर आप इसको हीट प्रेस में डालते हैं एक डेमो वीडियो में दिखाता हूँ आपको कि डीटीजी प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है आपकी फैब्रिक पर अगर मैं बात करूँ डी प्रिंटर के प्राइस की तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा नॉन कंपनी की जो है एप्सन इप्सन का जो डी प्रिंटर है वो इंडियन मार्केट प्राइस के हिसाब से फोर्टीन टू फिफ्टीन लाख रुपीस आपको मिल जाएगा बट आपको प्री ट्रीटमेंट मशीन अलग से लेनी पड़ेगी आपका उसका प्राइस आपको मार्केट में पता करना पड़ेगा वो काफ़ी सारे ब्रांड्स प्री ट्रीटमेंट मशीन बना रहे हैं और लोकल ब्रांड्स भी बना रहे हैं अभी तो डी प्रिंटिंग में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि कम रेंज में भी आपको मिल जाएंगी अगर आप इंडियन मेड लेना चाहते हैं तो इंडियन मेड में आपको फोर लाख फाइव लाख और थ्री लाख समथिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा सो मूविंग टूअर्ड नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ वाइनल कटर प्लॉटर बेसिकली वाइनल कटर प्लॉटर में हमारी स्पेशलाइजेशन है और इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से लैबोरेट कर सकते हैं सो so, आज मैं आपको इसकी बहुत सारी मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसमें सो वायनल कटर प्लाटर में बेसिकली दो तरीके के वायनल होते हैं एक होता है विनाइल एक होता है वाइनल ये दो चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो इसमें विनाइल जो होता है वो आपका जो बेसिकली व्हीकल पे यूज़ होता है या वॉल स्टिकर्स होते हैं या भी जो भी आपके बोर्ड्स बनते हैं आजकल सन बोर्ड्स पे जो आपके ग्राफिक वाले बोर्ड्स बन रहे हैं ये सब विनाइल होता है वाइनल क्या होता है वाइनल बेसिकली हीट ट्रांसफ़र वाइनल होते हैं ये आपके गारमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं लोगो बनाने के डिज़ाइन बनाने के लिए ख़ासकर टैग्स बनाने के लिए जो भी आपके बैक साइड नेक में टैग लगते हैं लेबलिंग लगती है ब्रांडिंग करने के लिए वाइनल्स को यूज़ किया जाता है ये रबरिक फैब्रिक्स होते हैं बहुत स्मूथ सरफेस होता है इसका और इसमें आपको बहुत वाइड uh, वैराइटी आपको मिल जाएगी और अगर मैं बात करूँ प्लॉटर किस साइज़ के आते हैं तो प्लॉटर अगर आप एक नॉर्मल ए फोर से स्टार्ट करना चाहें तो वो आपको अप्रॉक्स फोटीन थाउज़ेंड तक से स्टार्टिंग है फ़ोटीन थाउज़ेंड में आपको एक नॉर्मल ए फोर साइज़ मिल जाएगा फिर मैं बात करूँ ए थ्री साइज़ की तो आप कैमियो में जा सकते हैं कैमियो में अवेलेबल होगा ए थ्री प्लस भी है कैमियो फ़ोर आया है उसमें आप ए थ्री प्लस साइज़ कर सकते हैं अगर लार्ज फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो लार्ज फॉर्मेट में आपको इंडियन मेड प्लॉटर मिल जाएंगे वो आप उसमें काफ़ी बड़े बड़े टेक्सटाइल लेवल पे वर्क कर सकते हैं एक बार में आप आराम से फिफ्टी टी शर्ट्स सिक्सटी टी शर्ट्स आप आराम से उसकी डिज़ाइंस कट कर सकते हैं और इसकी जो कटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और इसमें जो इसका जो फैब्रिक कट होने के बाद आप जो हीट ट्रांसफर से आप इसको जब अपने फैब्रिक पे पेस्ट करते हैं तो इसका जो लुक आता है वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें क्योंकि इंक यूज़ नहीं होती डायरेक्ट एक, एक फैब्रिक होता है और डायरेक्ट फैब्रिक जब आपकी टी शर्ट पर लगता है तो उसका एक अलग ही कलर कंट्रास्ट होता है सो so, अब हमारी नेक्स्ट प्रिंटिंग टेक्निक है फॉर एवन ट्रांसफ़र प्रिंटिंग बेसिकली ये अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है और ये आप देख सकते हैं कि ये ओकाई का प्रिंटर होता है लेज़र जेड प्रिंटर होता है ये आपको 1.5 लाख का मिल जाएगा ए साइज़ में इसके साथ आपको दो तरीके की शीट्स मिलती हैं एक होती है ए शीट एक होती है बी शीट दोनों हंड्रेड हंड्रेड शीट्स होती हैं और ये पैक आपको पड़ता है फाइव थाउजेंड का ये काफ़ी कॉस्टली होती है क्योंकि ये इसमें जो केमिकल कोटिंग होती है इस पेपर में वो थोड़ी डिफरेंट होती है और इसमें जो इंक होती है वो भी टेक्सटाइल बेस इंक यूज़ होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें होता क्या है ए शीट में आप प्रिंट आउट निकालते हैं और बी शीट आपकी जो होती है वो गमिंग शीट होती है तो आपको वो गमिंग शीट के साथ ए शीट को मैच कराना होता है हीट प्रेस में और फिर आपको उसको बी शीट को पिल ऑफ करना होता है तो पूरी की पूरी बी शीट की गमिंग आपकी ए शीट पर ट्रांसफ़र हो जाती है फिर बाद में आप वही ए शीट को अपने टी शर्ट पर प्लेस करते हैं आपको मैं ये एग्ज़ाम्पल वीडियो में दिखाता हूँ आगे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कैसे ये प्रॉपर वर्किंग परफॉर्म होती है तो so अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं तो एज़ यूजल आप देख सकते हैं कि हमारे पास टी शर्ट और हुडी पे हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं फॉर एवर ट्रांसफ़र प्रिंटिंग बेसिकली अगर बात करें तो गारमेंट्स के लिए ही बनाई गई है बट ये जीन्स पर अभी और डैनिम पर सक्सेस उतनी नहीं हो पाई है जितनी ये टी शर्ट और हुडी पे है तो बेटर आपके लिए यही है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इस मेथड को तो आप सिर्फ़ टी शर्ट और हुडीज़ के लिए ही रखें और अगर कोई वुलन फ़ैब्रिक जो बहुत ज़्यादा वुलन टाइप्स होते हैं जो स्मूथ नहीं होते हैं उन पर फॉर एवर ट्रांसफ़र को यूज़ ना करें क्योंकि उस पर स्टिक नहीं हो पाएगा इसको बेसिकली फ़्लैट सरफेस और स्मूथ सरफेस चाहिए होता है प्रिंटिंग के लिए बेनिफिट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देर इज़ नो नीड ऑफ़ कटिंग एंड पिलिंग ऑफ डिज़ाइन फ्राम पेपर लाइक एस जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग हीट ट्रांसफ़र वाइनल में हम लोग को पहले प्लॉटर से कट करना पड़ता है फिर उसको जो वेस्टेज होता है उसको पिल ऑफ़ करना पड़ता है हमें निकालना पड़ता है उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है बट इसमें आपको कुछ नहीं करना आपको बस अपने ए शीट को बी शीट से फ्यूज़ करवाना है और बस बी शीट को पिल ऑफ कर देना है आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपको टी शर्ट पर प्रिंट करने का आपको बस प्रिंट आउट निकालना है गमिंग शीट को ए शीट के साथ मैच कराना है और आपको डायरेक्ट इसको टी शर्ट पर प्लेस करके हीट प्रेस में आपको प्रेस कर देना है और इसमें अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की तो ये हीट ट्रांसफ़र वाइनल प्रिंटिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसमें डिटेलिंग वर्क आ जाता है इसमें कलरफुल प्रिंटिंग कर सकते हैं आप और इसमें जो इस्मॉल uh, वर्ड्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र वाइनल में उतना क्लियरिटी नहीं आती है जो कि इस मेथड में आती है अगर आप बारीकियां चाहते हैं आप डिटेलिंग वर्क चाहते हैं अपने टी शर्ट में तो आपको ये मेथड बहुत अच्छा पड़ेगा और इसमें रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं सो so अब हम लोग अपनी लास्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो कि है पेट फिल्म ट्रांसफ़र मशीन ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में और बहुत ही अभी ये रेयर है काफ़ी लोगों के पास आ, ये आ चुकी है बट ये अभी बहुत ही रेयर है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मार्केट में इसके रिज़ल्ट कैसे हैं और इसकी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी है ये अभी प्रॉपरली पता नहीं चल पाया है बट इसके बारे में जो भी डिटेल्स है मैं वो सब आपको बताऊँगा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं कि मशीन मार्केट में कितने प्राइस की है तो मैं बताना चाहूँगा आपको ये नॉर्मल जो मार्केट में आपको जो मिल रही है ये सेवन पॉइंट फाइव लाख इन और इंक्लूडिंग जो भी इसमें जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशनल चार्ज पड़ता हो और प्लस आपको इसमें इसकी जो रिपेयरिंग और इसकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो भी आपको पे करना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा है मेरे ख़्याल से फिफ्टी थाउजेंड तक है इंस्टॉलेशन चार्जेस पूरा आपका ये सेटअप होता है एक रूम के बराबर का जहाँ पे आपको ये सेट करवाना पड़ेगा और पेट फिल्म ट्रांसफ़र आपका अगर आप इस बड़े लेवल पर नहीं करना चाहते हैं एक छोटे लेवल आप मतलब समझने के लिए कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं कंपनीज़ इप्सन एल एटीन हंड्रेड को जो ए थ्री साइज़ में आता है उसको मॉडिफ़ाई करके उसका प्रिंट हेड जो होता है उसको मॉडिफ़ाई करके उसमें इंक जो इंस्टॉलेशन है उसको भी मॉडिफ़ाई करके आपको दे रही है उसमें मॉडिफ़िकेशन में ये अप्रॉक्स चला जाता है मार्केट प्राइस में थर्टी एट थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड तक के इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी ब्लैक इंक जो होती है वो आपकी रिमूव कर दी जाती है उस सेक्शन में आपका वाइट इंक यूज़ किया जाता है बाकी कलर रहने दिए जाते हैं ताकि आपकी जो कलरफुल प्रिंटिंग हो वो बहुत ही अच्छी आए वाइट बेस के साथ इसमें वाइट बेस रखा जाता है और आपका ब्लैक बेस जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि ब्लैक बेस तो आप कैसे भी आप आपकी टी शर्ट फैब्रिक आपको दे देगी बट वाइट बेस जब आ जाता है किसी भी लेयर का तो उसके ऊपर आप अपनी कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं और बात करूँ मैं तो इसमें आपको जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि इसमें जो इंक यूज़ होती है वो टेक्सटाइल बेस होती है वो आपकी वाटर प्रूफ इंक होती है पिगमेंट बेस और ये होती है हमारी पेट फिल्म ट्रांसफ़र पेड प्रा फिल्म ट्रांसफ़र क्या होता है पेट फिल्म ट्रांसफ़र आपकी बेसिकली नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस पर आप अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालेंगे ये बहुत ही स्मूथ और प्लास्टिक फैब्रिक होता है इस पर आप अपना प्रिंट निकालेंगे और जो आपकी इंक होगी वो आपकी टेक्सटाइल बेस होगी वो करने के बाद आपको इसको या तो मैनवली आप कर सकते हैं एक आता है टी पी यू पाउडर टी पी यू पाउडर क्या है बेसिकली ये टी पी यू पाउडर आपको हेल्प करता है आपके जो डिज़ाइन आपकी जो इंक है उसमें एक पिगमेंट क्रिएट कर देता है एक टेक्सचर क्रिएट कर देता है प्लास्टिकनेस क्रिएट करता है जो कि जब आप अपने पेपर को ही ट्रांसफर पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक लेयर बना देता है गमिंग की आपकी इंक और आपकी फैब्रिक में उस वजह से आपका जो भी डिज़ाइन होता है वो प्रॉपरली आपके टी शर्ट पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये पाउडर आप मैन्युअली अपने हाथ से भी शेक करके फिल्म के ऊपर आप लगा सकते हैं और बट इसकी एक शेकर मशीन भी आती है जो आप अपने प्रिंटर के साथ ले सकते हैं वो बड़ी काफ़ी बड़ी होती है और आपकी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी अगर आप एक छोटा प्रिंटर ले रहे हैं तो आपको अपने हाथ से ही इसको शेक करना पड़ेगा मैं एक इसकी वीडियो भी आपको एग्ज़ाम्पल में दिखाता हूँ कि कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है